Aram Devan, aapko kya mil jaye? Shanti mil hai ki? Peace, peace chahiye isme. Yani hum sab ke liye shanti bolte hain. Man ye mat bole ke jab wo shanti rehta hai to bhi shanti. Jab bhi shanti aa pa shanti ho jaye. Sa ek hi kya hai? Mere hriday mein aaye aakar dikhao shanti jo. मेरे मन में शांति दो, मेरी बुद्धि में शांति दो, मेरे प्राणों में शांति दो, मेरे श्वासों में शांति दो। मेरी जीवात्मा में शांति दो। तो हम उस तक लिखा गया शांति आपको मिलेगी जो धावे फल पावे दुख मिल से मन का दुख मिल से तन का नहीं का वहां पर यहां सारा दिन तन के पीछे लगे रहते फिजिकल बॉडी के पीछे लगे रहते वहां पर क्या मन का था जो ध्यावे फल पावे दुख पीने से मन का फिर दूसरी पंक्ति में क्या कहते सुख संपत्ति घर आवे दुख संपत्ति नहीं रामायण सूर्यकांड का पाठ करते ना यह सुख संपत्ति है ना ऐसे ऐसे हनुमान जी महाराज राम जी के पास है जब राम जी के पास गए तो राम जी ने कहा सीता जी कैसे हैं लंका का हाल कैसे हो गए राम हनुमान महाराज का जोड़ करके आंखों से आंसू बहा रखा राम विमुक्त संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिन पाई इसीलिए राम जी ने कह रहे सुख संपत्ति संपत्ति का एक होता है विटामिन एंड विटामिन डॉलर क्या बोलते विटामिन विटामिन नो विटामिन सी नो विटामिन डी विटामिन डॉलर संपत्ति ये या बंगला है या बढ़िया गाड़ी है या बैंक बैलेंस है बैंक कार्ड ये संपत्ति पर एक संपत्ति आपके मन की है आप उसके अंदर कितने शुभ विचार हैं आप कितने एकाग्रता से ठाकुर का चिंतन करते हैं और कितनी देर करते हैं आप मैंने आपसे ये भी कहा कि आप जैसे बेडरूम में बैठते हैं ऐसे गुडरूम में कितने घंटे बैठते हैं भगवान के मंदिर में कितनी देर बैठ करके चिंतन करते और प्रार्थना करते हैं उनको मोक्ष में यदि यदि कम संसार के कामों में ज्यादा रहेंगे रहो उसने कहा बुरा रहो बुरा नहीं है संसार का काम खूब करो मैं भगवान से अरदास करता हूँ एक प्रार्थना करता हूँ एक मंत्र से प्रार्थना करता हूँ ठाकुर आपको 24 घंटे के 48 घंटे के लिए क्या दे 24 घंटे के होता नहीं 24 घंटे के 48 घंटे के और आप खूब धन कमाओ खूब बढ़िया और शुरू करो पर आप जब धन कमा दो उसमें से 50% हमारे मंदिर को दे देना हरी बोलो बोलना पड़ेगा आपको खूब कमाओ 48 घंटे कमाओ क्या 48 घंटे आपको मिले और 48 घंटे कमाओ और आधा मंदिर को दे देना आधा मंदिर एंजॉय करो न हर बोलो नगर छोड़ो कर्म कर जिंदगानी में दुनिया में लो जैसे कम रहता पानी में खूब कर्म कर्म करो कर्म करना बुरा नहीं बेडरूम में बैठ करके ठाकुर का चिंतन करो आज का ठाकुर जी ने दिन दिया आज क्या संडे प्रकाश का दिन एक प्रकाश ये होता है लाइट का प्रकाश कमरे में प्रकाश ना हो अंधकार हो तो आपको भय लगता है ऐसे हमारे अंतकरण में हृदय में भक्ति का प्रकाश ना हो तो भय लगता है हमारे को जो 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 भी काम करते हैं यदि आप उसमें भय लगता है उसका मतलब आपका मन कॉन्सेंट्रेट एकाग्र नहीं है अंतर्मुख नहीं है इसलिए भय लगता है इसलिए स्पष्ट कहा गया जो ध्यावे फल पावे दुख मिल से मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे करना सुख संपत्ति का अर्थ ही है एक तो संपत्ति संसार की है जब आज कट गए नहीं करता जरूर करना है उत्तम लो खूब संसार का कर्म करो पर साथ में भगवत चिंतन भी करो आत्मचिंतन भी करो आत्मा से भी जानिया धर्म की पूछा किमच्छन कस्य काम आय शरीर मनुसंधरे विश्वेन मविहितम आत्मा अभिरात्मा के मंत्र है दोनों आत्मा से भी जानिया क्या है आत्मचिंतन करना भगवत चिंतन करना हरि चिंतन करना गोविंद के गुण गाइए आइए हरिया
संसार का कर्म करते करते भगवान से कह दो प्रभु जी दीना बंधु दीना नाम मेरी डोरी तेरे आई एम सरेंडर। तीनों बॉडी से फिजिकल बॉडी से मेंटल बॉडी से इंटरनल बॉडी तीनों बॉडी से था शरीर से नहीं। कभी कभी क्या होता है हम कहते तो यहां होते हैं भाग रहा होता कहीं हाँ दिल्ली पहुंच गया या न्यूडेल्सी पहुंच गया या वाशिंगटन पहुंच गए ऐसा होता है। कभी कभी आरती में बैठते ना पूजा कराने बैठते मन कहीं का कहीं भाग जाता तो आप पूजा का आनंद नहीं ले पाते क्या पूजा का एंजॉय क्या इंग्लिश में क्या कहते एंजॉय एंजॉय नहीं कर पाते क्यों क्योंकि आपका मन नहीं तन तो था फिजिकल बॉडी थी पर मन नहीं था मानसिक शरीर और जब मन भगवान के साथ जुड़ता है मन प्रसाद आसम मन के जुड़ने से तीन चीजें मिलती है मन प्रसाद आसम मन को प्रसाद मिलता है ये प्रसाद नहीं जब पहले का निकलो प्रसाद का कर प्रसाद के सब नुकसान प्रवक्त प्रभु आपके हृदय में प्रवेश करके मन में प्रवेश करके आपके अंदर शांति का अनुभव देते हैं प्रसन्नता का अनुभव देते हैं आनंद का अनुभव देते हैं तीन चीजें देते हैं प्रसन्नता का अनुभव भजन पाठ करने के बाद प्रसन्नता आए शांति आए और आनंद आए तो समझ लेना कि मेरी पूजा और मेरा मेरी मेरा मेरा ध्यान मेरा ध्यान एक्सेप्ट किया हुआ है। आप टेस्ट बढ़ते ना यदि एक्सेप्ट ना करें तो कोई जो ऑफिसर बैठा है या ऑनलाइन एक्सेप्ट ना आप कर रहे हैं ऑनलाइन से वो क्या बोलते क्या बोलते हैं उसको कॉन्टेक्ट नहीं हुआ ऑनलाइन से भी नहीं हुआ तो एक्सेप्ट नहीं होगा तो क्या होगा बस यहां पर भी निर्धारित है ठाकुर जी को आप भजन अर्पित करें पूजा अर्पित करें दान अर्पित करें फल और भगवान एक्सेप्ट ना करें एक्सेप्ट करने का अर्थ ही है कि आपके मन में आनंद मिलेगा शांति मिलेगी प्रसन्नता मिलेगी और फिर उसके बाद मोक्ष मिलेगा वो फल है वो जीवन का फल है वो जीवन का फल है। जब तक यदि नहीं होता यदि ठाकुर एक्सेप्ट नहीं करते तो समझ लेना आपका मन शांत नहीं है करे तो पूजा आपके सब कुछ अब रोज करते रोज करते कभी कभी डॉक्टर से दवाई लेकर आता तो डॉक्टर से दवाई लाने के बाद वो डॉक्टर की दवाई जो है ना वो हमारे शरीर को लगती नहीं है एक्सेप्ट नहीं करती तो हमारा रोग नहीं जाता क्या होगा हमारा रोग बस इसीलिए यहां पर हम भी रोज पूजा करते हैं यदि वो एक्सेप्ट नहीं हो रही तो इसका मतलब हमारा मन स्वस्थ नहीं है हमारा मन व्यस्त है और अस्व्यस्त क्या व्यस्त है अस्व्यस्त है स्वस्थ नहीं है क्या स्वस्थ नहीं है व्यस्त है अस्व्यस्त है क्या अब आप सोचिए आप बताइए आपका मन स्वस्थ है व्यस्त है कि अस्व्यस्त है क्या क्या है व्यस्त भी है मतलब है क्या व्यस्त भी है तो उसको बात समझो और आपकी भाषा में बताऊंगा जैसे हमारे आदरणीय आचार्य जी के पास लैपटॉप उसमें वायरस आ जाएगा तो कंप्यूटर काम करना एक्सेप्ट नहीं करके भेजता नहीं है बस कई बात हमारे अंदर भी है ये शरीर कंप्यूटर की तरह है और जब भगवान के भजन की ध्यान की चिंतन की योग की मेडिटेशन की यदि 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 ठाकुर जी एक्सेप्ट नहीं करते तो वायरस आ जाएगा संसार के विषयों का वायरस आ इसलिए आप आदमी विषय विकार मिटाओ अंतिम ने कहा आरती ने अंतिम ने कहा पंडित विषय विकार एक चीज ने कहा विषय डॉट विकार डॉट विषय विकार मिटाओ फिर इसका पाप पाप भर डॉट पाप हरो देवा फिर डॉट श्रद्धा डॉट श्रद्धा भक्ति डॉट भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा संतन का ढाल का पेड़ नहीं गलत मत समझना वहां संतों की वजह मतलब नहीं है ठाकुर नहीं आप भी संत हैं यदि आप ठाकुर जी का भजन करते हैं तुलसीदास बाबा भ्रष्टि थे सूरदास बाबा भ्रष्टि सूरदास बाबा क्या कहते हैं सूरदास बाबा ने भजन कहा आइए एक मिनट के उसको पंक्ति बढ़िए प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो हरि जी मोरे अवगुण चित्त ना
निहारो चाहो तो पार करो हरि जी मोरे हरि जी मोरे अवगुण चित्त ना घर मनुष्य चित्त में अवगुण ज्यादा करता है पर गुण गुण का मतलब भजन भक्ति दान सेवा उत्पन्न करता है और संसार का कर्म विषयों में चिंतन जाए इसीलिए वहां पर कहा पहला समय का विषय निकाल मिटाओ पाप हरो देवा यदि आप आत्मचिंतन के लिए कर्म नहीं करते तो आप पाप करें श्वासों का श्वासों के द्वारा भगवान का चिंतन श्वास श्वास है ही नाम बुद्ध ये तो अपना तुलसीदास जी का श्वास श्वास है नाम देखो प्रकाश श्वास मत कोई ये तो तुलसीदास बाबा ने कहा और गुरुबड़ी गुरु नानक देव महाराज क्या कहते हैं श्वास श्वास जिंदो गोविंद श्वास श्वास और गायत्री मंत्र क्या कहता है ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम आपका श्वास श्वास आपका रोम रोम तत्सवितुर्वरेण्यम ठाकुर जी का चिंतन करे काम करते करते भोजन बनाते बनाते शौच जाते जाते शावर लेते लेते भगवान देखो ये हर चीज की गारंटी है आपने जो जिस ब्रांड का कपड़ा पहना ना गारंटी हो आपने खरीद पहनी उसकी गारंटी है आपका घर उसकी गारंटी है आपकी गाड़ी की गारंटी है पर ये चीज की गारंटी नहीं है हरि बोल बोलना पड़ेगा हरि बोल किसी की गारंटी नहीं है बोलो बोलो हरि बोल बोलो हरि बोल सब चीज की गारंटी है आप बैंक जो भी लेते हो टीवी लेते हो गाड़ी लेते हो सब कुछ वही क्या गारंटी है आपने जब जन्म लिया जन्म लेने के समय भगवान से पूछा था उसकी क्या गारंटी है ये मजबूत का कहना जो है जबकि भीत बोन का खंबा रक्त बोन का गारा हर मास नारी को पिंडर कंठी बसे बिचारा पानी क्या तेरा क्या मेरा करो नहीं बसेगा और इसी भाव को वेद का ऋग्वेद का मंत्र कहता है ऊद मूलो अलश्चाख अश्वत्थ समाधा ऊद मूल अलश्चाख अश्वत्थम चाहुरव्यम चंदा शिष्य प्रणाली यशम इस संसार में विश्व में दो पक्षी रहते हैं एक परमात्मा एक जीवात्मा एक परमात्मा एक जीवात्मा एक सुखी है और एक दुखी नाम है क्या एक सुखी नाम है इसीलिए आप लोग आदमी कहते सुख संपत्ति घर आवे अभी आपने कहा पंडित जी से महाराज जी हमारे घर में दुख आवे हम सत्यनारायण की पूजा कराएंगे क्यों जो ही कहना चाहिए ना आपको कभी कहा आपने इतने दिन हो गए मंदिर में आते आते आपने कभी कहा हे प्रभु जी हमारी मनोकामना यही है हमारे घर में दुख आवे हम सत्यनारायण की पूजा कराएंगे हम हवन कराएंगे हम नवग्रह शांति कराएंगे हम ये कराएंगे कभी कहा आपने क्यों कहा रोज कैसे कैसे सकते हैं जीवन हो गया कम से कम आप कैलकुलेशन करो आपने एक दिन में दो बार या तीन बार जितनी बार आदमियों में गए हो जितनी बार वो क्या बोलते हैं शादी के पहले कीर्तन होते उसमें गए होंगे सब में आपने रोज कहा शुभ संपत्ति घटा हुए कष्ट में गए घटा शुभ संपत्ति कितनी बार कह चुके हजारों बार कह चुके लाखों बार कह चुके आप 80 वर्ष के हो गए यदि एक दिन में चार बार कहते हैं चार बार आरती करते हैं किसी के दोस्त की शादी में जाते हैं किसी के कमी में जाते सब में आरती होती है कमी में भी आरती है और किसी में भी आरती है क्यों जी तो आप वहां पर एक रोज सुख अधिकार रूप संपत्ति करा रहे मैंने कहा नहीं कहा और सुख दुख दोनों भाई हैं मैंने क्या कविता लिखते सुख दुख दोनों कपड़े पहने जाए मनुष्य पहने जाए सुख दुख दोनों कपड़े पहने जाए मनुष्य सुख दुख के दो कपड़े हैं मनुष्य पहनता है कभी सुख का कपड़ा पहनता है कहते ना जैसे आप रात को क्या पहनते हो क्या बच नाइट सूट और दिन में बूटे सूट बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया पहनते है ना तो यहां पर भी दुख दुख भी भगवान का कपड़ा है सुख दुख दोनों कपड़े पहने जाए मनुख कविता लिखते हैं और गीता गीता भी कहे सुख दुख के समय गीता लाभ लाभ
जीवन और मरण, जन्म और मृत्यु, लाभ और हानि, ये दोनों पैरल 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 है। आपके अनुकूल हो गया तो शुक्र है, आप प्रतिकूल हो गया तो दुख हो गया। आपके साथ कौन चल रहा है? आपके मन को अच्छा लग गया, पत्नी ने अच्छा कर लिया, फिर कुछ देखवा यू आर के क्या यू आर के और यदि अनुकूल नहीं हुआ तो हरी बोल बोलना पड़ेगा, हरी बोल। इसीलिए सूर्दास जी करें प्रभु जी मोरे, बस एक अंतिम एक मिनट के बाद खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। सात दिन से यज्ञ चल रहा था, उद्धव गीता में वेद ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा पुरस्कार किया गया था। उद्रेक आत्मा 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 अवसाद आत्मे आत्मे आत्मा आइए प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, जाहो तो पार करो। दर्शी का तो क्या भगवान आपकी आंखें जो है ना सबके लिए समान है, अमीर आए गरीब आए बुद्धि से हीन आए बीमार हो गए सबके लिए आपकी आपकी आंखें क्या है कल्याण। बोला कहते धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में प्राणियों का क्या सब प्राणियों में हम भी पढ़े प्राणियों में संभावना हो, विश्व का कल्याण का साथ मत सुनते विश्व में आप नहीं है, आप अमेरिकन है या इंडियन है, आप विश्व का कल्याण वक्ता नहीं है, विश्व का कल्याण हो विश्व के अंदर आप क्या इसलिए कह रहे समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, हरि जी मोरे अवगुण भूत ना धरो, एक लोहा पूजा मेरा रखो, एक ग्रह बलिंग पढ़ो, हरि जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो, पारस गुण अवगुण नहीं जानत पारस। हमने सुना है पारस देखा नहीं है, पारस के साथ दोहा संकट का दोहा तो सोना बन जाता, सुना है देखा नहीं आपने देखा क्यों क्यों बोली थी इतने साल के घूमने भटक रहे हो देखा नहीं, अरे बोल है मैंने देखा है ठाकुर जी के चरणारविंद हमें आ जाओ, दो मांगे ठाकुर अपने लिए थोड़ी थोड़ी दे रहे, ठाकुर जी का नाम जो है वो सोना है और आपके कर्म लोहा है। नेगेटिव थिंग्स जब आप ठाकुर जी का चिंतन करते हैं, ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, कनेक्टिव क्या बोलते हैं इसको बोलते अपना अपना मोबाइल को रिचार्ज करते हैं क्या एडोप्टर एडोप्टर से रिचार्ज करते हो, अपना आईपैड को करते हैं रिचार्ज करते हैं तो रिचार्ज करके एडोप्टर लग जाता है तार लग जाती है, पर ऐसे ही जब ठाकुर जी के साथ तार लग जाती है आपका मन आपकी बुद्धि सोना बन जाती है। एक लोहा पूजा मेरा तो एक बह बदी कर पढ़ो, हरि जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो, पारस गुण अवगुण नहीं जानत कंचन करत करो, हरि जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो, हरि जी मोरे चित्त। देखिए अभी तक तो आप बोले नहीं है, अब आपके बोलने की बारी, मैं एक डेढ़ घंटे से बोल रहा हूं बोल चुका, अब आपको बोलना पड़ेगा, बोल लो बो लो, फूल बोगे तो फूल निकलेगा और केसर बोगे तो केसर निकलेगा, अब चावल बोगे तो चावल निकलेगा, ऐसे भगवान का नाम बोगे तो हरि बोल शांति मिलेगी आनंद मिलेगा। आइए हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल, देखो ये कुर्सियों में बैठने वाले को डबल जोर लगाना पड़ेगा, कुर्सी को बैठे कुर्सी में जो बैठता है बॉस होता है, क्या होगा बॉस, कुर्सी वाले को डबल जोर लगाना चाहिए, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोलो
कैसा है, जैसे हवन करते हैं ना, हवन होता है यहां पर, हवन भी कोई भी श्रुति डालो और तरह के 27 प्रकार जिसमें औषधियां पड़ती है सब भस्म कर देती है तेरे में भी बस भगवान का नाम अग्नि तत्व है, उसके अंदर आप जितने भी शुभ कर्म है सब लाभ हो गए, हरिहर की पापाणी दुश्चित समृता, आपके मन के बुद्धि के चित्त के श्री तुलसीदास बाबा ने हनुमान जी सामने कहा बुद्ध ही कितने गंध लिखे तुलसीदास बाबा ने क्या लिखते हैं बुद्ध ही मैं बुद्धिहीन हूँ, ये गुरुदेव मैं बुद्धिहीन हूँ, 40 ग्रंथों को लिखा उन्होंने रामायण को मिलाकर के विनय पत्रिका को मिलाकर तुलसीदास बाबा ने लिखा और हनुमान जी का अंतिम में लिखा संकट को लिखा उसमें लिखते हैं बुद्धहीन तब जान के तब जाने मेरा बुद्धिहीन है बुद्धिहीन तब जान के शिविर पवन कुमार डॉक्टर जी मैं अरदास करता हूँ हे राम जी हे हनुमान जी महाराज हे गुरुदेव मैं अरदास करता हूँ दीक्षा जो क्या बलबुद्धि विद्या देव भरम करे बलबुद्धि विद्यो साथ में चल रहे कर दिया बलबुद्धि विद्या देव हरऊ कलेश सविता हरि कलेश नहीं शरीर के कलेश नहीं पति पत्नी का कलेश नहीं पारिवारिक कलेश नहीं संसारिक नहीं इंटरनल बॉडी के कलेश नेविगेटिंग जो कॉन्सेंट्रेटिंग हो जाए हेलो कलेश विकार जैसे कपड़ा मैला हो जाए ना सर्फ से धो लेते हैं और बाल मैले हो जाए तो शैंपू से धो लेते हैं कारपेट मैला हो जाए तो शैंपू करवा लेते हैं और जब आपका मन मैला हो जाए तो कौन सा शैंपू है कोई शैंपू बना के अमेरिका में आपका मन मेरा मन में जो नेगेटिव थिंग्स है बुरे विचार है उसके लिए कौन सा शैंपू यूज करोगे मनोजा जी हरि बोल बोलना पड़ेगा हरि बोल हरि नाम का शैंपू लगाइए नाम हरि नाम का शैंपू लगाओ और आपका मन का मैं चला जाएगा मैं भी जाकर और कैसे द्वार तिहारे आऊं हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं मैं भी जाकर मेरा मन मेरा मेरी बुद्धि मैं भी मेरा चित्र इसीलिए तुलसीदास बाबा ने बुद्धहीन कर जान की जिमरऊ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या गाल की ना बोलने वालों की कृष्ण कन्हैया लाल की लक्ष्मीनारायण भगवान की शंकर भगवान की जगदिया दुर्गा वाली माता तेरी सदा ही जय पवन हनुमान की ना बोलने वालों की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महान सात आठ दिन से उद्धव जी का ऋग्वेद के 40वें सूक्त के बड़ा पठन चल रहा था उस प्रकरण की अभी थोड़ी संक्षेप में जितना समय मिला समाप्ति पर थोड़ा बोला सात दिन आठ दिन भी बोले तो सात दिन बोला गया तो भगवान से प्रार्थना है आपके हृदय में सतोगुण की वृद्धि हो सात्विक विचार आए सात्विक संस्कार आए सात्विक उच्चार हो सात्विक व्यवहार हो बस और आपका जीवन सफल हो और हमारे आदरणीय आचार्य जी आचार्य शास्त्री जी और सब लोगों ने मिलकर बहुत सेवा की और आप लोगों ने भी हमारी इतनी तरक्की है अपने इस मंदिर के 22 साल हो गए हमको भी आते हुए हमारे तब से सेवा कर रहे हैं तो आप लोग बड़े प्रेम से हमारे सनातन धर्म की ध्वजा को इस देश में बैठ करके ठाकुर जी के नाम को प्रचार कर रहे हैं आप लोग प्रणाम के लायक हैं आप सबको प्रणाम है ट्रस्टियों को भी आप लोगों को भी और खूब भजन करो खूब कमाओ और खूब भजन करो और खूब दान करो हमारे मंदिर को दिया करो कमाओ भी खूब और दान भी खूब करो बस नहर बूंदो नजर छोड़ो गर्म कर जिंदगानी में दुनिया सबका धन्यवाद आप सब लोगों का धन्यवाद बस एक करके ओम शांति शांति धेयं सदा परिभवज्ञमभिस्करोऽहं तीर्थास्तरं शिवविरञ्चितं शरण्यं मृत्यातिहं नरकपालभवाद्विपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् उपस्थित सभी भक्तों की तरफ से प्रतिपाद प्रातः स्वामी महाराज के पावन श्री चरण कमलों को नमन करते हुए आज इस अद्भुत और विलक्षण
ज्ञान विधि का अष्टम दिवस संपन्नता की ओर अग्रसर हो रहा है। पिछले रविवार के जो प्रवाह है बद्धविता का पुरुष स्वामी के सेवक से धर्म हुआ, आज यह संपन्नता की ओर अग्रसर हो रहा है। स्वामी जी की हम सबके ऊपर विशेष महती कृपा है और सचमुच ही यह 22वां वर्ष है। 97 में पहले बार स्वामी जी का इस हिंदू शिक्षक मंदिर में सेवा का शुभारम्भ हुआ था और तब से लेकर के आवाज से प्रतिवर्ष स्वामी जी की हम सबके ऊपर महती कृपा बनी रहती है और मैं स्वामी जी के चरणों में यह निवेदन करूंगा कि भविष्य में भी यह कृपा इसी प्रकार से बनी रहे। यह निवेदन स्वामी जी आपके चरणों में हम विशेष रूप से करना चाहते हैं। किसी भी यज्ञ को हम प्रारंभ करते हैं तो उसका समापन करना यह शास्त्रीय परंपरा है। इस परंपरा को निर्वहन के लिए मैं उपस्थित यहाँ एक क्योंकि कमेटी के सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वो शपथ ले करके अभ्यास पूजन करें और तत्पश्चात मंदिर के कोतुलिया में यहाँ उपस्थित है, मुझे आग्रह करूंगा कि वो दो शब्द धन्यवाद की ज्ञापित करेंगे और तत्पश्चात आगे के कार्यक्रमों की सूचना मैं आप तक पेश करूंगा। परंतु सबसे पहले व्यास पूजन के लिए मैं सभी कमेटी के सदस्य यहाँ जो यहाँ उपस्थित है मुझे आग्रह है कि वो सब अपने आकर के व्यास पूजन करें। ॐ हरि ॐ
और उनके दर्शन दिए। और अगर आप वृंदावन गए आपको पता होना चाहिए कि बिहारी जी का मंदिर जो है वहां पर जो दर्शन होते हैं वो एक दो मिनट के लिए होते हैं, उसके बाद पटा करते हैं। कारण यही है कि वो साक्षात भगवान कृष्ण की मूर्ति किसी की तरह बनाई नहीं है, किसी के हाथ नहीं बनी है। दो मूर्तियों का मुझे पता है, एक तो बिहारी का और एक राधा रानी का। ये दो मूर्तियां जो है वृंदावन में वो किसी आर्टिस्ट ने नहीं बनाई है, स्वयं भगवान के जो है भूखन जो थे उनके जो भगत थे उन्होंने अपनी प्रेरणा से उनको प्रकट किया हुआ है। जब भी आप जाओ तो वहां पर अजय है कि जितनी जिसकी श्रद्धा होती है उसमें उतना ही मीठा मिलता है, और श्रद्धा आपकी बड़ी है तो आपको सफल मिलता है। तो मैं ये कहूंगा कि आइए और यहाँ पर हम संतों की शुरू करते हैं कि कभी ना कभी आपके मन में कुछ ना कुछ काम में पड़ेगा और आपका कल्याण हो जाएगा। और आप आइए मंदिर में और अपना प्रयाण कीजिए। और आपके आने से हमें तो बड़ा तसल्ली होती है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें कुछ आदमी तो ऐसे हैं जो उसको अच्छा समझते हैं और उसमें भाग लेने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर जितने हमारे आचार्य उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और वॉलंटियर का भी, और जिन्होंने प्रसाद कराया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यही आशा करता हूँ कि आप हमेशा अच्छी तरह आते रहे मंदिर में और मंदिर की शोभा बढ़ाए। तो आज हम भी जैसे आपको कह रहे हैं हम भी स्वामी जी को कुछ फल फूल अर्पण करते हैं। यहाँ पर जब आते हैं कुछ ना कुछ करते हैं ना, तो हमें हम आशा करते हैं कि वो इसको स्वीकार करें। ॐ यदा भगवतं मानाचार्येण हिरण्यगर्भस्थानि कायस्मरिष्यमाणाः अन्तर्नया बध्नामि शतशारदायाः युष्माञ्जलदश्चिर्यथाशम्मः। धन्यवाद सर। भूलिया जी स्वामी जी आपकी कृपा आप सबके ऊपर कितनी है, आपका स्नेह कैसा है, हम इसको शब्दों के द्वारा कहने में असमर्थ है। बड़ी सहजता के साथ आप यहाँ निवास करते हैं और जो भी दिवस आपके व्यस्त समय में से निकलता है उन दिवसों में आप हम सबके कल्याणार्थ यहाँ पे थोड़ा समय देते हैं। इसके लिए पूरा मंदिर टोटल कमेटी और यहाँ पे आने वाले सभी भक्त आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और यही कामना करते हैं कि इसी प्रकार का स्नेह इसी प्रकार का भाव यहाँ पे आने वाले सभी आपसे अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में भी बना रहे। अगर आपके प्रवास में किसी प्रकार की सेवाएं हम सबसे टूटी रही हो तो मैं पुनः पुनः और पुनः आपके चरणों में क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप सभी संतों का जो सेवा जिस प्रकार से होती है भारत में हम वह करने में यहाँ पे अक्षम है सक्षम नहीं है, तो उसके लिए क्षमा याचना हम पुनः करते हैं और यही कामना करते हैं कि भविष्य में भी कभी भी आपका उत्तरी अमेरिका आने का कार्यक्रम बने या आपके हिंदू सेंटर का अपना मंदिर है। और हम समझते हैं कि उत्तरी अमेरिका में पहली यात्रा हुई थी आपके हिंदू सेंटर में तो जून हुई थी, तो यह भाव यह क्रम भविष्य में भी बना रहे इसी कामना के साथ मैं पुनः पुनः यहाँ आने वाले सभी लोगों की तरफ से आपके चरण कमलों को नमन करते हुए आज के इस प्रकाशन को हम एक विश्राम देने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में विशेष कार्यक्रम मंदिर में होने वाले हैं, उसके संबंध में आप तक एक छोटी सूचना हम प्रेषित करना चाहते हैं पहुंचाना चाहते हैं। आने वाले शनिवार यानी 7 तारीख को किसी श्रद्धालु परिवार ने माँ भगवती की चौकी का आयोजन मंदिर में किया है और उन्होंने आप सभी को 7 जुलाई शनिवार सायंकाल 4 बजे से होने वाले चौकी में आने के लिए आमंत्रण दिया है। आशा है उनके आमंत्रण को तथा माँ भगवती की कृपा आशीर्वाद प्राप्ति के लिए 7 जुलाई सायंकाल 4 बजे आप अवश्य इस हिंदू सेंटर मंदिर के इसी प्रांगण में उपस्थित होंगे। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष विभाग इस वर्ष भी संत सम्मेलन जो है वह 15 तारीख रविवार है यानी रविवार को सायंकाल 5:30 बजे से 7:30 बजे तक का कार्यक्रम है। मैं पुनः आप सबसे आग्रह करता हूँ कि यह
संयोग या सौभाग्य बड़े दुर्लभ है, इस समय का आप सदुपयोग करें, अन्य मित्रों को भी सूचित करें ताकि वे लोग भी संतों का दर्शन करके उनके अमृतमय वचनों को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य एवं कृतार्थ कर सके। पुनः एक बार आपको तिथि बता दें, 15 जुलाई रविवार सायंकाल 5:30 से 7:30 तक। इसके अतिरिक्त हिंदू सेंटर कैडर ग्रुप की जो बैठक है जुलाई महीने की, वह 8 जुलाई रविवार को है, यानी अगले रविवार को सायंकाल 4:00 से और 6:00 तक हॉली हाउस 137-66 में। तो जो लोग भी हिंदू सेंटर कैडर ग्रुप की बैठक में आते हैं उनसे आग्रह है कि अगले रविवार सायंकाल 4:00 अवश्य उपस्थित हों। इन्हीं सूचनाओं के साथ पुनः आप सभी की तरफ